यहाँ ध्यान देने की बात है कि 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा रद्द होने का असर विश्वविद्यालय में होने वाले दाखिले पर भी पड़ेगा। जहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि इस बार परीक्षा रद्द होने के कारण केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए होने वाले कॉमन एंट्रेंस टेस्ट नहीं लिए जाएंगे। जी हाँ, हम अपने दर्शकों को फिर से बता दें कि इस बार केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए होने वाले कॉमन एंट्रेंस टेस्ट नहीं लिए जाएंगे। तो यहाँ छात्रों का एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स का विश्वविद्यालयों में दाखिला आखिर किस आधार पर होगा। तो न्यूज 24 आपको बता देना चाहता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रमों का दाखिला इस बार मेरिट के आधार पर होगा। जी हाँ, हम अपने दर्शकों को बता दें कि कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा, मेरिट के आधार पर होगा दाखिला। साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति पीसी जोशी ने IANS से कहा कि इस साल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लागू होने की संभावना नहीं है। ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय की कट ऑफ घोषित करते समय CBSE मानदंड का पालन किया जाएगा। यह निर्णय भूतपूर्व कोविड स्थिति को देखते हुए लिया गया है। हम भारत सरकार के साथ हैं। हमारे प्रवेश मानदंड शक्ति से योग्यता के आधार पर होंगे। हम CBSE बोर्ड की कसौटी का सम्मान करेंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि CBSE बोर्ड 12वीं कक्षा के नतीजे घोषित होने के बाद ही दाखिला प्रक्रिया शुरू होगी।